वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरे घर की सफाई हो गई है, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा। देखो सब कुछ कितना अच्छा अच्छा सा लग रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब तक ही अच्छा अच्छा लगता है जब कोई फेस्टिवल या कोई मतलब जब गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं, तब इतना हबड़ दबड़ मच जाता है कि फिर सारी चीज़ें इधर से उधर फेंकने लग जाती है, फिर सब खराब हो जाएगा। अभी फिलहाल ही मेरी चुन्नी पड़ी हुई है यहाँ पे, फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक लग रहा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो बेड है, आपकी अलमीरा है, वो पुराने डिज़ाइन का है, थोड़ा सा चेंज कीजिए। तो हम बहुत जल्दी चेंज करेंगे। अभी तो हम लोग फटाक फटाक से, आप सभी को पता था हम पहले कहीं और रहते थे, और मतलब जल्दी जल्दी में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो हमने फर्नीचर वगैरह हमारे पास जो भी पुराना था वही सब यूज़ किया। मेरा ये जो बेड है ये पुराना नहीं था, ये तो मम्मी ने नया बनवाया था, बट जल्दी जल्दी में भी बनवाया था। अभी सब कुछ पुराना है, बहुत जल्दी हम सब कुछ चेंज करके नया नया लेंगे, सब चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं चेंज करने के लिए। गाइस चलो टॉपिक ही चेंज कर दिया, मैं कहाँ किस चीज़ का ब्लॉग स्टार्ट करी थी और कहाँ पहुँच गई। आज हमारे घर पे आने वाले हैं, रात के बज रहे हैं 8:30, और मैंने सोचा चलो आज से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दो तीन दिन सब लोग रहेंगे, जो भी है जैसी चीज़ जो भी होगा आगे, अभी तो नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, तो जो भी होगा वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज नानी जी, अंकित, विकास सब आने वाले हैं। अभी सब लोग मार्केट गए हैं, विकास, अंकित और भैया, पूजा का सामान वगैरह लेने, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी नहीं गई हैं, वरना मम्मी ही ये सारी चीज़ें लेती हैं, सामान पूजा वगैरह का मम्मी और ये जाते हैं, बट मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए नहीं गए। तो ये गए हैं मार्केट, और मार्केट से आते वक्त सबको लेके आएंगे, विकास को, नानी जी और अंकित को। विकास से मिलेंगे आप लोग, बाकी सबसे मिलेंगे। तो अभी चलते हैं किचन में, सबके लिए खाना बना लेते हैं। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल और मिक्स वेज, बहुत सारी सब्जी, मिक्स वेजिटेबल बोल लो, मिक्स वेज बनाऊंगी। मैं आप सबके साथ एक छोटा सा क्विक रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप आपको पसंद आएगा ये ब्लॉग, लास्ट तक देखते रहिए। एंड सब लोग आएंगे उनके साथ, जो भी रात को मस्ती मजाक जो भी चीजें होंगी आप सभी को इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। साथ एक ऐप के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। क्या आप भी मेरी तरह घर बैठे खूब सारे पैसे कमाना चाहते हैं? अगर हाँ तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ भारत ऐप के बारे में, जहां से आप खूब 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 सारे पैसे कमा सकते हैं। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां जाएं एंड प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। ये सबसे ज्यादा इजी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस यूजर हैं। जैसे ही आप साइन अप करते हो आपके डेमो खाते में 10,000 रूपए मिलेंगे, जिससे आप सीख सकते हैं करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी, इसमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कीमत बढ़ेगी या घटेगी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे साइड में आप देखो तो रेड बटन है, इसको क्लिक कर दिया है। अब कम से कम आपको 60 सेकंड तक वेट करना है। गाइस देखा आपने, मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में जीते 35 रूपए। एंड गाइस एक और चीज, यहाँ पे जीते हुए पैसे आप अपने बैंक अकाउंट UPI पेटीएम में भी इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। आप भी जाइए एंड स्टार्ट कीजिए। आपने देखा कि मैंने रेड बटन पे क्लिक करके 35 रूपीज जीते, तो आप भी जाइए और खूब सारे पैसे कमाइए। मैंने अभी तक 494 रूपीज जीत चुकी हूँ। आप भी जाइए एंड खूब सारे पैसे जीतिए एंड अपने अकाउंट डिटेल डाल के उन पैसों को डायरेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। गाइस देर किस बात की है, जाओ और डाउनलोड करो भारत ऑप्शन को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो फटाक से जाइए और चेक कीजिए। गाइज मैंने यहाँ पे सब्जी कट कर लिया है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी सारी तरीके की जो भी सब्जी थी मेरे किचन में वो रख ली। एंड इधर मैंने चने का दाल थोड़ा सा पानी में धो के और बॉईल होने के लिए मतलब रख दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला है। एंड आपको कम से कम 5 से 6 सीटी लगानी है, और अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दो। उससे क्या होता है, जल्दी जो दाल होती है चने की दाल वो गल जाता है। और इस साइड अब करेंगे सब्जी बनाने की तैयारी। तो मैंने तेल गर्म कर लिया, उसमें तेज पत्ता और 5 फोरन, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जैसे कि जीरा, मेथी, हींग, बहुत सारी चीज़ें होती है, 5 फोरन, तेज़पत्ता, ये सब डाल लिया। और अब मैं इसमें प्याज मिक्स कर लूँगी। मैं प्याज खूब सारा डाल रही हूँ और घिस के नहीं किया है, ऐसे बारीक बारीक कट किया है, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। जो घिसने वाला होता है ना उसका, वो पनीर वगैरह की सब्ज़ी में अच्छा लगता है, बट अगर आप इस तरीके की सब्ज़ी बनाए तो इसमें इस तरीके से प्याज और टमाटर काट के बनाओ तो टेस्ट अलग होता है। और इसके वो रेड जब तक डीप फ्राई मतलब
डीप फ्राई कह रही हूँ सॉरी, कि मतलब पूरा जब तक वो नहीं हो जाता है, पक नहीं जाता है प्याज टमाटर, तब तक आप सब्ज़ी मिक्स मत करना। और जब अच्छे से पक जाएगा तो आप अपनी सारी सब्ज़ी डाल के, मटर भी डाला है मैंने, अच्छे से चलाना। बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, ये सब्ज़ी मम्मी बनाती है तो ये मैंने मम्मी से ही सीखी है ये सब्ज़ी बनाना, तो ये बहुत लास्ट में जाके बहुत टेस्टी बनेगी। एंड इस साइड मेरी जो दाल है वो चल रही है, मतलब दाल बन रखी है, सीटी लगेगा उसके बाद दाल में कैसे तड़का लगाते हैं वो शेयर करूँगी। और ये है मसाला जिसमें मैंने जीरा और लहसुन और धनिया इसमें पीसा है, जो मैं डाल दूँगी सब्जी में थोड़ा सा, थोड़ी देर ऐसे ही पक जाएगा सब्ज़ी। उसके बाद नमक और ये सारे मसाले मैं मिक्स कर दूँगी। और मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पीसा है, अदरक लहसुन पीसा है इसमें। मसाला मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तेल में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मिर्च में ज़्यादा यूज़ करती हूँ खाने में। और मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे साइड में धन भी सो गई है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। सो ये है फाइनल सब्जी, इस तरीके से निकल के आई है। ना मम्मी ना, हाँ रख दी बाद में खा ली। तो इस तरीके से सब्जी निकल के आई है। और ये है दाल जो कि पूरी बॉईल हो चुकी है, आप देख सकते हो दाल बीच बीच में से थोड़ी सी ब्रेक होने लग जाएगी। सो फाइनल दाल का ये रेसिपी, सॉरी दाल का कह रही हूँ, सब्जी का इस तरीके से देखने में टेस्टी लग रही है ना, सोचो खाने में भी बहुत टेस्टी थी। विकास कौन कौन आया सो वो मैंने अभी बता दिया। और अब मैं बनाऊँगी चने की दाल में कैसे तड़का लगाते हैं। मैंने घी डाल लिया बहुत सारी क्वान्टिटी में, और जब घी बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन जीरा, आपके पास अगर लाल मिर्च है तो आप डाल सकते हैं, तेज़पत्ता डाल सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने टमाटर और प्याज कट करके रखा था उसको डालूंगी। थोड़ा सा आपको कम इसको फ्राई करना है, बट मेरा थोड़ा सा ना जल गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लैक हो गया था एंड जीरा की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसको एकदम डीप, मतलब डीप फ्राई नहीं करना, जब थोड़ा सा रेड एंड ब्राउनिश हो जाएगा तब आपको, तब आप इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देना। ये मैं यहाँ पे मसाला डाल रही हूँ, सब्जी मसाला, हल्दी, थोड़ा थोड़ा सा जो भी आपके पास मसाले हैं वो सारे जो भी पिसे हुए हैं वो सब आप डाल के, और इसमें उसके बाद हरा धनिया डाल के और अपनी दाल डाल लेना। आप कौन सा बहुत मोटे होके आए होगा उसे? पेट निकल गया है। दे रही हूँ पानी भाई। ले बेटा। कौन है? कौन? चल। मजा नहीं होता। हम लाए हैं स्वीट ऑफिसर की तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। अच्छा। बताओ बताओ। शायद हमने ये दूध तैयार किया है। जी। ये दूध तो आपकी एक मौसी है। ये दूध आपकी मौसी ने किया है। नहीं भाभी ने उबाला है। नहीं गाय ने दूध दिया, भाभी ने उबाला है। वो करो आप, इसके मतलब आप दूसरों का आइडिया कॉपी करके यहाँ इसको बेहतर बनाने के लिए आए हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ शायद इसकी बेटी आपने पकड़ रखी है। शायद पहले मेरा बात सुनिए। देखिए शायद दुनिया में दूध सब पीते हैं, ऐसा थोड़ी ना दूध एक ही जैसा। आप भी दूध की तरह एक ही तरह है। शायद मेरा पेट हिल रहा है इसलिए मैं दूध की तरह हिल रहा। अच्छा हम लाए हैं ये आधा गिलास दूध। कितना है? 50 ml। 50 ml हम दूध लाए हैं। इसकी वैल्यूएशन, इसकी मार्केटिंग करने के लिए आपसे 1 crore मांग रहे हैं। क्या आप इस दूध में क्या खाते हैं? सबसे बड़ी खासियत ये मेरी मौसी ने दिया है। मौसी ने दूध दिया।
इतनी वाहियात बातें हैं कि फैमिली चैनल ऐसी वाहियात बातें नहीं है। अच्छा 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 प्रोडक्ट में तीन चंद कहेंगे ये इनकी क्वेश्चन कट कर दिए थे। आप मेरी बातों को पहले सुनिए जी। आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं यार, कौन सुनेगा इनको? सुनिए तो सही, आप बच्चों खिला रहे हैं, कोई गुस्सा क्या कर रहा है? मेरी बात कर दी देखो मम्मी, मैं हरिया यही बैठी और कह रहे हैं भाग गई हूँ। मम्मी आओ इनके बातें सुने। सबसे बड़ी दूध की खासियत ये है, मम्मी आप बैठो, आप पी लो, आप दूध 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 के सबसे बड़ा खासियत ही वाला एक कुछ मिलाओ तो वो मीठ लगता है। शार्क्स इंडिया नहीं, ये शार्क्स बिहार है, ठीक है? शार्क शार्क को सुनो सुनो सर, देखो मम्मी ने ला दिया है जी। 100 रुपए का वैल्यूएशन करते हैं, 100 रुपए की चक्कर आता है। गर्म दूध पीएंगे तो गर्मा गर्म ही लगेगा, तो गर्म पानी पीएंगे तो गर्मा गर्म। जो सबसे बड़ी दूध की खासियत ये है, मौसी ने गर्म घुमा फिरा के बात तो वही पहुंच गए। बताइए बताइए बताइए, कौन से किसी स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी जी लिस्टेड है? अच्छा कहाँ? निफ्टी पे, पटना निफ्टी पे। ये दूध की देखिए, दूध को देखिए, देखिए कितना गाढ़ा है। दूध के अलावा मैं प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बताइए। दूध 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 अरे सुनो, कितना दूध दे रहे? ये सिर्फ दूध दूध नहीं है, ये अमृत है। इसी के 5 तरह के दूध मिक्स किए हुए हैं। किसका? आदि का। रिजेक्ट, आई एम आउट, आई एम आउट बोल दो, रिजेक्ट। नहीं, वो बोलते हैं ना, मैं आपके इस बिजनेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप समझिए हमारे दूध की खासियत। गुड़ मिला दीजिए, आप पीजिए सबसे जूता जूता सबको पिला रहे, जैसे कि जूता दूध जूरी को जूता दूध जूता 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 होता है, जूता होता है कि जूठा होता है? लगता है आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें। बिल्कुल ऐसी भैया कंपनी, देखिए बिजनेस आइडिया में कोई दम नहीं है आपके, और थोड़ा अपने दूध में थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कीजिए, थोड़ा सा इनोवेशन लाइए एंड थोड़ा अच्छी चीजें, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके विकास जी, आपने बहुत मेहनत अपनी गड्ढे में गिरा दी, अपनी मेहनत कहीं अच्छी जगह निकली है यहाँ से।